मरहूम जैबुनिसा शेख इनकी स्मृति में सोमवार क्वार्टर परिसर के यशवंत लाइब्रेरी प्रांगण में जरूरतमंदों के लिए नेत्र जांच केंद्र, आई चेकअप मशीन और ईसीजी मशीन का उद्घाटन बीसीएन न्यूज तथा बीटीपी के चेयरमैन सिराज भाई शेख के हाथों किया गया। इस मौके पर पूर्व उप महापौर सतीश होली, पूर्व विधायक सुधाकर खोली और श्रीमंत राजे मुधोजी भोसले मौजूद थे। मरहूम जैबुनिसा शेख इनकी स्मृति में सोमवार क्वार्टर के यशवंत लाइब्रेरी प्रांगण में नेत्र की जांच, ईसीजी मशीन और आई चेकअप मशीन का उद्घाटन बीसीएन न्यूज चैनल और बीटीपी के चेयरमैन सिराज भाई शेख इनके हाथों से किया गया। इस मौके पर पूर्व उप महापौर सतीश होले, पूर्व विधायक सुधाकर कोले मौजूद थे। कार्यक्रम की प्रस्तावना संजय लहाने आयतज्ञ इन्होंने प्रस्तुत की। इस कार्यक्रम में गरीब और जरूरतमंदों को निःशुल्क चश्मे का वितरण किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और प्रतिमा को पुष्पहार अर्पित कर की गई। इस मौके पर मौजूद डॉक्टरों की टीम ने शॉल, दुपट्टा और मोमेंटो देकर अतिथियों का स्वागत किया। इस कार्यक्रम में दर्जनों स्कूली बच्चों को नोटबुक कॉपी का वितरण किया गया तो वही बुजुर्ग व्यक्तियों को चश्मे का वितरण किया गया। मरहूम जैबुनिसा शेख इनकी स्मृति में आई चेकअप मशीन सार्थक फाउंडेशन को दी गई। इसका फायदा जांच करने वाले जरूरतमंदों को होगा। इस मौके पर सिराज भाई शेख इन्होंने जानकारी दी। दर्शकों, इस समय में बीसीएन की टीम है यशवंत लाइब्रेरी सोमवार क्वार्टर स्थित है। आज हम आपको बता दें कि आज यहाँ पे मरहूम जैतून शेख इनके स्मृति प्रीत्यर्थ में आई चेकअप मशीन और साथ ही साथ ईसीजी मशीन का उद्घाटन यहाँ पे हुआ है और परिसर के नागरिकों को चश्मों का वितरण किया गया है, स्कूली बच्चों को किताबें बांटी गई है और इस समय में ये तमाम यहाँ पे महानुभाव मौजूद है। आइए सीधा उन्हीं के और रुख करते हैं और उनसे ये जानना चाहते हैं कि मतलब किस प्रकार का ये प्रोग्राम था। सर, ये बताओ कि जिस प्रकार से अमित जान उनकी स्मृति पुत्र थी, यानी मरहूम जैतून जी उनके स्मृति पुत्र में ये जो प्रोग्राम जैगुन जी इनका जो स्मृति पुत्र में जो कार्यक्रम लिया गया, क्या कहना चाहूँगी सर? ये कार्यक्रम हमारे संजय भाई है, इमरान है और हमने सचिन वो बड़े बाटे, ये हम लोग ये सब चीज़ करते रहते हैं। आज मम्मी का तो हम उर्दू तारीख से जोड़ते हैं पर इंग्लिश तारीख के हिसाब से आज के लेते हैं। तो उनके उसमें चश्मे वाटर का प्रोग्राम, किताबें, कॉपी और पेन, बाकी और भी चीज़ हम लोगों ने दिए। और संजय भाई को मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वो हर बार ये प्रोग्राम करते रहते हैं और आगे भी प्रोग्राम करते रहेंगे तो हम लोग उनको सपोर्ट करते रहेंगे। आने वाले मेरे वार्ड दिवस में अभी तो मैंने मशीन गिफ्ट किया, लेकिन आने वाले दिन में हम एम्बुलेंस का प्लान कर रहे हैं। इनके संस्था को हम एम्बुलेंस देंगे जो गरीबों की और मदद करो, क्योंकि ये आदमी बहुत भाग दौड़ करता है। ये आदमी पहला दिख रहा हूँ कि जो दिल से काम करता है, इसके लिए मैं इसको सपोर्ट करता हूँ और आगे भी सपोर्ट करके रहता हूँ। तो आपसे डीसीएन न्यूज और बीटीपी के चेयरमैन सुरेश भाई शेख, अब हम रुक करना चाहेंगे पूर्व उप महापौर सतीश होले हमारे साथ में, उनसे जानना चाहेंगे। सतीश जी, ये बताएं कि किस तरह से कैसा लग रहा है, कैसा महसूस कर रहे हो जिस तरह से प्रोग्राम लिया गया है? सुरेश भाई शेख जिनके बारे में जितना बोलो उतना कम है, हमेशा वो गरीबों को मदद करते हैं और हर साल यहाँ उनका बर्थडे के उपलक्ष्य में लोगों को चश्मे बांटना, दवाई बांटना ये काम होता है। इस साल उन्होंने घर भर तो दवाखाने के लिए आग जांचने की मशीन भी दी है और हमेशा मदद करते आते हैं। अभी उनके मम्मी के नाम से उन्होंने और कुछ करने की बात कही है और भगवान करे उनके हाथों से हमेशा ऐसी मदद होते रहे। बिल्कुल, तो इस प्रकार की मदद होना चाहिए ऐसा होने के लिए कहा। इस समय में उनसे रुख करेंगे इस कार्यक्रम के जो आयोजक है संजय लहाने। संजय जी, ये बताया कि जिस प्रकार से आज ये जो मशीन दी गई है समाज के लिए, परिवार के लिए कितनी महत्वपूर्ण साबित हो रही है। मैं सर्वप्रथम एक कार्यक्रम का रूपरेखा बताना चाहता हूँ। यहाँ हर साल गुरु पूर्णिमा के उपलक्ष्य में बड़े धूमधाम से कार्यक्रम मनाते हैं ताकि और गरीब जो है, आपको मालूम है गुरु को जो दान करना चाहिए उसके एक ध्यान रखते हुए हम हर साल ये कार्यक्रम रहते हैं। इस बार कार्यक्रम करने का एक विशेष रूप ऐसा है कि बीसीएन और बीटीपी ग्रुप के चेयरमैन माननीय सिराज भाई शेख इनके जन्मदिन में 7 तारीख को कैंप लिया गया था और उनके जन्मदिन के उपलक्ष्य में ही उन्होंने हमारे सार्थक बौद्धिक संस्था जो धर्मार्थ दवाखाना यहाँ पर चलाते हैं माननीय नगर सेवक सतीश जी होले, इनके माध्यम से हमको ये जगह मिली है। करीबन 5 से 7 साल पहले से ये दवाखाना चल रहा है और यहाँ के कम अभी तक के 1000 के ऊपर मोतीबिंदु के ऑपरेशन और कम से कम 1 लाख के ऊपर लोगों को चश्मे के वाटप पूरे नागपुर शहर और नागपुर जिले के माध्यम से शिविर के माध्यम से किया जा रहा है। ये कार्यक्रम में यहाँ पर आज के दिन
जो गरीब बच्चे हैं, जो पैसे के कारण पढ़ना नहीं चाहते और जिनकी फाइनेंशियल कंडीशन है, उनको हम बुक्स बांटा। और उसी साथ इस साल गुरु पूर्णिमा के अवसर पर ऐसे नागपुर में चार जगह हम इनके लिए शिकुनी वर्ग ट्यूशन क्लासेस शुरू कर रहे हैं। इसमें पूरा पढ़ाई का जो भी साहित्य हम देंगे, और उसी प्रकार ज्येष्ठ नागरिक जो महिला है उनको हम साड़ी बांटा, उसके बाद में इनको फ्रूट डिस्ट्रीब्यूशन और चश्मे बांटा। ऐसा ये पूरा कार्यक्रम हर साल हम बड़े उत्साह से करते हैं। ये कार्यक्रम के विश्व शांति सेवा समिति परम पूज्य संत देवकीनंदन ठाकुर महाराज और हमारे जो दवाखाने जिस नाम से है संत गुलाब बाबा भक्त परिवार संत गुलाब बाबा, इनके आशीर्वाद से हम ये कार्यक्रम आयोजन करते हैं। और यहाँ पर साथ ही रक्तदान शिविर भी रखा गया है। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ कि आप इस धर्मार्थ दवाखाने आके सोमवार क्वार्टर यहाँ पर इसका लाभ लवे। और मैं सिराज भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ हमको मशीन देने के उपलक्ष्य में, धन्यवाद। तो आप थे डॉक्टर संजय लाने जिन्होंने बखूबी विभाग से बात करते हुए कहा कि किस प्रकार से यहाँ के जो ज़रूरतमंद लोग हैं उन्हें ये जो चीज़ें दी जा रही है वो कितने कामकाज उनके आने वाली है। और एक बात तो है कि जिस प्रकार से आज यहाँ पे मरूम जयदून जी शेख जी इनके स्मृति पृथक में ये जो कार्यक्रम लिया गया है, यकीनन इस परिसर के साथ साथ अन्य लोगों को भी जो इसका बहुत बड़ा फायदा होने वाला है और जिस कार्यों की सराहना शहर के परिसर के नागरिक भी कर रहे हैं, कुछ डॉक्टर्स की टीम भी यहाँ पर मौजूद है जो पढ़ाने का कामकाज करते हैं, उनको हम जानना चाहेंगे। सर आप बताइए क्या कहना चाहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि हमारा ये पहली बार ही ऐसा कोई उपक्रम है जो हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। अब हमको इसके पहले कुछ पता नहीं था कि यहाँ पर कौन ज़रूरतमंद है, किसको कितनी ज़रूरत है पढ़ाई करने की। फिर जैसे जैसे हम पढ़े तो पता लगा कि पढ़ाई कितनी ज़रूरी है। अब हम सब हम कुछ डॉक्टर बन रहे हैं, कुछ इंजीनियर बन रहे हैं, कुछ साइंटिस्ट बन रहे हैं। अब इन बच्चों को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिल पाती, हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे हम इनको अपनी तरफ से जितना हो सके दे सके और इनको भविष्य में कुछ भी बनने के लिए हम मदद करें। मैम आप बताएं कि जिस तरह से आज आप कई मरीजों की जो सेवाएं देती हो, आज इस शिविर के माध्यम से जो कार्यक्रम किया जा रहा है इसका कितना फायदा उन लोगों को होने जा रहा है। और एक बात तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि मतलब ये जो गरीब लोग हैं उनको पढ़ाने में तो बहुत इंटरेस्ट आएगा, क्योंकि जैसे हम पढ़ रहे हैं वैसे उनका भी भविष्य आगे चल के अच्छा बने। ये हमारी मतलब हमारे तो इसी तो हम ट्राई करेंगे, मतलब सक्सेसफुल बनने का उनको सिखाएंगे, करेंगे हमको प्रोवाइड करेंगे। बिल्कुल, कहते हैं कि पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, और जो शिक्षा हासिल करता है उससे उस व्यक्ति के साथ साथ देश भी मजबूत होता है। और क्योंकि देश को यदि मजबूत करना है तो शिक्षा और ऐसे बड़े दिल वाले काम करना बेहद ज़रूरी होता है। सोमवार क्वार्टर से कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ संजय मीरे, बीसी न्यूज़।